शिवपुरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पुलिस थाना खनिया थाना में 5 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर के द्वारा जिले में मादक पदार्थ एवं शराब की रोकथाम के लिए आदेशित किया गया था और जीरो टॉलरेंस के निर्देश भी दिए गए थे। उक्त आदेश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एवं SDOP अनुविभाग पिछौर के मार्गदर्शन में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पहाड़िया के पास कच्चा रास्ता ग्राम हीरापुर में 2 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल से हीरापुर गांव के पास अवैध रूप से गांजा बेचने की फिराक में खड़े हैं। जब टीम वहां पहुंची तो हीरो स्प्लेंडर पर 2 व्यक्ति बैठे दिखे और बीच में एक सफेद रंग के कट्टा जिसमें कुछ भरा हुआ था। दोनों व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिन्हें हमराह फोर्स की मदद से घेर कर पकड़कर नाम पता पूछा तो मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपना नाम विवेक लोधी एवं पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पुष्पेंद्र वंशकार होना बताया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला? कल दिनांक को द्वारा सूचना प्राप्त हुई ग्राम खिजापुर में 2 व्यक्ति अवैध रूप से गांजा लिए बैठे हुए हैं तथा बिक्री करने की प्राक में उप सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो 2 व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए, इन्हें घेर कर पकड़ा। एक का नाम विवेक लोधी निवासी गैरेठा, दूसरे का पुष्पेंद्र वंशकार निवासी गैरेठा को न पाए। जब उनके कट्टे में भरे हुए वस्तु की तलाश की गई तो उसमें 5 किलो 500 ग्राम गांजा पाया गया जो अवैध रूप से था। उसके पास कोई लाइसेंस नहीं था। आरोपी विरुद्ध धारा 8/20 NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों से अन्य सप्लायरों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर, ये कब से ये धंधा करते थे? करीब 1 वर्ष से धंधा करना बता रहे हैं। तो इनके और कहीं बाहर भी तार जुड़े हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़े हो सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।